जिसमें लाखबा रही तो एज वी जस्ट स्टार्टेड द लर्निंग ऑफ सम न्यू स्ट्रेटीज जिसमें हमने पीछे बात की थी आज हम उसको थोड़ा सा आगे फर्दर लेके मूव करेंगे सम एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग कैप्चर्ड और उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम इसको देखेंगे टू वी थॉकड अबाउट सिंथेटिक्स वी सेटिकीन इट्स आर्टिफिशली क्रिएटेड वी मैं सिंथेटिक स्टॉक इंडेक्स इज़ हैविंग अ टी बिल्स एक्सपोईयर प्लस द स्टॉक इंडेक्स पोजिशन यानी कि आप इंडेक्स की पोजिशन जो फ्यूचर्स की उसमें लॉन्ग हो जाए और साठ टी बिल्स ले लें तो आपके पास एक्सपोईर आ जाएगा इंडेक्स का ना क्वेश्चन कम जिन के हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं फ्यूचर्स के जिस तरह हमने बात की थी कि मल्टीप्लायर्स पर अवेलेबल होते हैं इंडेक्स का एक साइज होता है उस पर वो चल रहा होता है so तो हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट वी शुड डू ये हम आज देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करेगा हाउ थिंग मूव टू लेट सी वेन वी नीड टू नो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाउ इज दैट बीन गेज इज यू हैव अ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो के टी बिल्स आपके पास कितने के हैं एंड वी नो दैट द टी बिल्स आर गोइंग टू जनरेट रिस्क फ्री रिटर्न वो वी नीड टू सी टी बिल्स वैल्यू टाइम्स वन प्लस आर एफ इन टू द पावर ऑफ टाइम जितनी देर के लिए हम इन्वेस्ट करें यह हमारा हॉराइजन है उसका फ्यूचर है उसकी इस वक्त क्या प्राइस ट्रेड हो रही है दैट इज पी एफ एंड मल्टीप्लायर एज अ जस्ट टोल्ड यू हमने बात पहले की थी कि कुछ ढाई सौ के मल्टीपल पर मूव कर रहे हैं हंड्रेड परिपेंडिंग ऑन इंडेक्स एंड इट्स इट्स वैल्यू तो वो मल्टीप्लायर जो है वो उसको ट्रेगर करेगा तो so, इससे हमें क्या निकलेगा क्या कि अगर हम इंडेक्स फ्यूचर में जा के सिंथेटिक इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी शुड एंटर इट तो हमारा एक्सपोजर ऐसा हो जाएगा जैसे हमने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो सिंथेटिकली हम लोग इंडेक्स के इन्वेस्टर बन जाएंगे प्रैक्टिकली हमने उसमें नहीं किया होगा इसको हम एक एलिस्ट्रेशन से बेहतर लर्न करने की कोशिश करते हैं ये एक डेटा देखें ज़रा

क्यों चाह रहा है कि मैं जो स्टॉक मार्केट की एस एंड पी की जो इंडेक्स है उसका एक्सपोजर लेना चाह रहा हूँ एक तो बड़ा आसान हल है कि टी बिल से सारे पैसे निकलवाएं यानी कि टी बिल सारे बेचें पैसे निकलवाएं और सारे पैसे दोबारा इंडेक्स में इन्वेस्ट करें जो कि प्रैक्टिकल और हमने सिर्फ करना छः महीने के लिए तो इट्स नॉट दैट ईजी सिंपल टास्क तो हमारे पास ऑल्टर रूट क्या है कि हम सिंथेटिक वाला पाथ लें एंड वीट गो फॉर दैट अच्छा जी इसमें और फर्दर डेटा में क्या कह रहा है अब एस एंड पी का एक्सपोजर लेना है तो हमने कहा एस एंड पी फाइव हंड्रेड की जो फ्यूचर इंडेक्स है ना दैट इज क्लोज एप्लीकेशन ऑफ द एस एंड पी तो हमें उसके थ्रू जाना है उसकी जो डिविडेंड इंडेक्स की जीड है दैट इज़ टू परसेंट और इंडेक्स की जो फ्यूचर प्राइस इस वक्त चल रही है वो है एलेवन हंड्रेड और इसका जो मल्टीप्लायर है दैट इज़ टू फिफ्टी ये डेटे को ज़रा अच्छा ग्रास्प कर लें न वी विल सी कि ये कैसे फर्दर इम्प्लीमेंट होता है हमें कैसे हेल्प आउट करेगा अब क्वेश्चन इज के इस अमाउंट के पोर्टफोलियो के लिए मुझे अगर ये सिंथेटिक इंडेक्स की तरफ जानना है तो हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट यू शुड बी डूइंग अभी हमने उसका एक फार्मूला देखा था नाउ वी आर लुकिंग एट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हार्ट गोइंग टू अप्लाई तो ये डाटा की बेस पे हमें समझ आती चाहिए कि हमें करना क्या है पैसे पड़े हैं टीबिल में हम चाह रहे हैं इंडेक्स के रिटर्न कमाना तो अब क्या करें सिंथेटिक इंडेक्स क्रिएट कर लें वो कैसे करें टीबल्स पड़े रहने दें एंड बाय सम फ्यूचर्स ऑन द इंडेक्स बट क्वेश्चन हेयर इज हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स तो दैट इज बींग स्पेसिफिकली गोइंग टू बी डिस्कस राइट नाउ अब ये देखें ये डेटा वही है जो हमने ऑलरेडी देख चुके थे अब इसका सोल्यूशन क्या है बिकॉज 120 मिलियन तो अभी पड़ा है लेकिन ये 120 मिलियन स्टैटिक तो नहीं है इस पर भी कुछ अपना रिटर्न आना है तो व्हाट वी शुड डू इज कि वी शुड कम अप विद द वैल्यू कि ये इंडेक्स ने आगे कितने पीरियड में कितना मूव होके जाना है तो so 120 मिलियन टाइम्स 1.03 जो कि 3% परसेंट उसकी यील्ड है विद द पावर ऑफ वन ओवर टू बिकॉज सिक्स मंथ का टाइम है यानी कि एक मिलियन छः महीने में हो जाएगा वन सेवन एटी सिक्स सिक्स डबल नाइन ये इतनी वैल्यू तक हमें ले जाएगा यानी कि अब हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो वन ट्वेंटी नहीं बना वन ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन है तो अब क्या किया वन ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय जो हमारा फ्यूचर की वैल्यू है दैट इज इलेवन हंड्रेड और उसका मल्टीप्लायर वी नो दैट इज टू फिफ्टी का मल्टीप्लायर है ये जितना बड़ा मल्टीप्लायर होता है उतने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स कम लेने पड़ेंगे अगर छोटा मल्टीप्लायर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे सो वन ट्वेंटी वन डिवाइड बाई दिस डिनोमिनेटर वी गेट अ वैल्यू ऑफ फोर फोर टू पॉइंट एट सिक्स अब ये हमें उसने एग्जैक्ट कैलकुलेटेड आंसर दे दिया अब जो क्योंकि हम जब कोई चीज़ खरीदेंगे जब इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो वो फ्रैक्शनली पॉसिबल नहीं होगा सो वी हैव टू राउंड एट टू द लेवल के हमारा जो एक्सपोजर है वो बेस्ट पॉसिबली कैप्चर हो जाए इट्स ए पॉइंट एट सिक्स तो दैट मीन वी शुड एंटर इन फोर फोर थ्री कॉन्ट्रैक्ट तो होगा क्या फोर फोर थ्री कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर हो जाएंगे तो आपका एक्सपोयर ऐसा हो गया कि जैसे आपने जो अपने सारे पैसे हैं पूरा पोर्टफोलियो आपका इंडेक्स में इन्वेस्ट हो गया अब जो इंडेक्स का रिटर्न आएगा दैट यू विल बी गेनिंग पैसे आपके भले टी बिल में पड़े रहे हैं लेकिन यू विल बी गेटिंग द रिटर्न आउट ऑफ इट तो ये हमने जो इसमें मेन चीज़ सीखी कि एक तो हम सिंथेटिकली इंडेक्स पे मूव हो गए और दूसरा हमें ये सीख लिया कि हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़े इन ऑर्डर टू गेट दो डिजायर्ड रिजल्ट तो दिस वे वी क्रिएटेड अ सिंथेटिक इंडेक्स बाकी हम इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे विद अदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स तो आई एल्स अप्रिशिएट कि इसको जरा अच्छी लर्निंग इसमें ग्रास्प कर लें क्योंकि थोड़ा सा नया एरिया है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन ज़्यादा है थैंक यू